आप कहते हैं कि कानून और व्यवस्था लाएंगे, लेकिन उस कानून की धज्जियां उड़ाने वाले ही आप हैं। जातिवाद को बढ़ावा देने वाले भी आप। ऐसी बातें करके तुम मुझे भड़काना चाहते हो क्या? मैं आपको भड़काना नहीं चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूं कि लोगों को पता चले कि सच्चाई क्या है। ये देखिए, उससे पूछा तो कहता है कि रूलिंग पार्टी का आदमी। दूसरा ड्राइवर जात के नाम से डराने लगा। 250 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जलकर राख हो गई क्योंकि आप चुप रहे। सैकड़ों गाड़ियां जली, लोग घायल हुए, मरे आपकी वजह से। आपने किसी को कोई कार्रवाई नहीं करने दी क्योंकि आपसे आपकी कुर्सी नहीं छूट रही थी, है ना? क्या पकड़ा है? इस इंटरव्यू को सनसनीखेज बनाकर नाम कमाने के लिए बेबुनियादी बातें कर रहे हो तुम। नो सर, सबूत है मेरे पास। उनमें से एक ड्राइवर मेरी पार्टी का है और दूसरा उन जात वालों का है जिन्होंने मुझे इलेक्शन में जिताया है, और वो स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्शन में हमारा काम करते हैं। अगर इनमें से किसी को भी हाथ लगाया तो हमारा सपोर्ट चला जाएगा। नो अरेस्ट, नो टीयर गैस। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। कुछ बसें जलती हैं तो जलने दो, दुकानें लुटती हैं तो लुटने दो। मैं 2-4 को पकड़ कर एक। अब बोलिए सर, जनता से ज्यादा आपको अपनी कुर्सी प्यारी है। आप तो मारी दोगे, औरों से भी मरवानी।